आशीष जी, जैसे मैंने कहा कि आईटी पे नजर है, उसमें से विप्रो एक बाय दिया, अभी जो सेकंड बाय दिख रहा है तो एक टीसीएस था, तो जिसका जिक्र वीरेन जी ने अभी किया, तो मैंने इस काउंटर को चेंज किया क्योंकि टीसीएस बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बायर साइड पे है, लेकिन कहीं स्ट्रेंथ है तो वो है, आप देखिए टेक महिंद्रा। अब बाजार का हाल देखिए, निफ्टी का हाल देखिए और टेक महिंद्रा देखिए, ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। सो टेक महिंद्रा इज अ बाय, 1450 के ऊपर इसका बाय बनता है, 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1520 का, 1510 1520 ये इसका पहला क्लस्टर होगा जो इसका इंट्राडे का टारगेट होगा। तो मुझे लगता है आज आईटी में विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, इसी पे यहीं पे आपका लॉन्ग ट्रेड होगा। एक सेकंड ट्रेड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा आप कह सकते हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है, और हमने इसमें एक मुंह बड़ा मुंह देखा था, वो है एचडीएफसी लाइफ। अब एचडीएफसी लाइफ का डेली चार्ट देखिए, पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे सबसे जबरदस्त वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम एचडीएफसी लाइफ में हुआ था। यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा वॉल्यूम किसी ने बाय किया है, तो दैट सिंपली शोज कि ये 500 के नीचे इतना जल्दी जाएगा नहीं, तो टेक्निकली दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो बाय एचडीएफसी लाइफ अबव 508, 510, कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 500, एंड जो पुल बैक मुझे लगता है आना चाहिए वो कम से कम 535, 540 तक आएगा, तो एचडीएफसी लाइफ ये मेरा बाय रहेगा और सेकंड बाय रहेगा टेक महिंद्रा। बढ़िया है भाई, दो खरीदारी करने के कॉल्स हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में। एक एक तो टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा वो स्टॉक है जो फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 2%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1.5-2% ऊपर था, आज भी इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी, पूरा आईटी ऐसी बिहेव कर रहा है। देखिए क्या रिकवरी इंट्राडे में आती हुई, ऐसी इन्फोसिस नजर आया था जो चतुर्मोता साहब ने पिकअप करा था। टेक महिंद्रा दूसरा कॉल हो गया आज के लिए आईटी में, बाकी भी एक्सपर्ट्स के रडार पे इन्फोसिस टेक महिंद्रा के अलावा स्टॉक से जो आईटी में डिस्कस हुए। एचडीएफसी लाइफ एक और स्टॉक है जिसको रडार पे रखना है, क्रिटिकल लेवल्स हैं लेकिन एक कंडीशनल बाय है 500। एक मिनट दिखाइएगा इस समय का भाव, तो सत्य साहब इस समय ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं? आपने कहा 508, 510 के ऊपर लिया जा सकता है एचडीएफसी लाइफ, ये तो उन जोन्स के ऊपर ही है, ले लूं? बिल्कुल, ये दिस इज अ बाइंग लेवल। आपको देखो आशीष जी, हमें डिप इतने शार्प मिलते हैं तो हमको तो थोड़ा सेफ्टी देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली किस लेवल के ऊपर बाय करना है, बट लेवल ऑफ 512, यस यू कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग, क्योंकि आशीष जी अगर यहाँ पे हम लेवल पे सही ठहरे तो आपको बड़े टारगेट्स भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा पोजिशनली भी बेटर बनता है, इसलिए मैंने आज एचडीएफसी लाइफ को चुना है। एक मिनट रुपए को स्क्रीन पे दिखाइए, ये रुपया जो 77 की किसिंग डिस्टेंस दूर आपको नजर आ रहा है, ये अब तक के रिकॉर्ड लोज हैं रुपए के जो हम अपनी स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, इस तरह की कमजोरी रुपए के बाजार में। तो एक काम करा हमने, रुपए की वीकनेस और आगे का आउटलुक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूनाइटेड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के मैनेजिंग पार्टनर के एन डे सर जुड़ते हुए, जो रुपए पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। डे सर, ये जो आज इस तरह का कमजोरी, इस तरह के रुपए पे डिप्रिसिएशन है, लार्जली हम लोग क्रूड को प्राइसिंग करके चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। एक तो डेफिनेटली क्रूड का प्राइसिंग है, मगर दूसरा भी है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज हैपनिंग फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। कल फॉर एग्जांपल फ्राइडे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट $1 बिलियन आउटफ्लो था एफआईआईएस के। क्रूड है, कमोडिटीज है, नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, डॉलर इंडेक्स 99 का ऊपर ऊपर चले गया है, तो देयर आर ऑल मल्टीपल इम्पैक्ट्स ऑन दिस थिंग। एंड रुपी ने आज लाइफ टाइम लो तोड़ दिया, जो मेरे ख्याल से कोविड के पहले 76.8590 थे। अब ये जो आपने सही कहा, हम जैसे चार्ट में कहते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी, हम अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच गए, रुपए में रिकॉर्ड लोज पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये कैपिटल आउटफ्लोज, एफआईआई सेलिंग, ये कंटिन्यू होती हुई भारतीय बाजारों में, क्रूड को लेके अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो आप लोग यूनाइटेड फाइनेंशियल्स में कैसे अप्रोच कर रहे हैं रुपए को? ये डिप्रिसिएशन और बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा तो आपके इवेंचुअल टारगेट्स हैं क्या, और एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए क्या सलाह होगी? अच्छा देखिए, मेरा 42 इयर्स का फर्स्ट टाइम में आई तक देयर इज आई एम नॉट एबल टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। 40 साल में मार्केट में देख चुका हूँ, ऐसा ऐसा इंस्टेबिलिटी, ऐसा वोलेटिलिटी इट्स नेवर सीन बिफोर। एंड एट दिस मोमेंट वी आर नॉट एबल टू टेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। अगर ये सीज फायर हुआ बहुत अच्छा है, देन आई थिंक मार्केट्स विल रिमेन इन टू स्टेबिलिटी। सपोज बाई चांस इफ देर इज एन अनाउंसमेंट कि LIC IPO डिले हो जाएगा, दैट वुड बी अ नेगेटिव ऑल्सो टू दी मार्केट, पॉसिबिलिटी ऑफ रूपी आउट गिर सकता है। तो फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए हम बेच रहे हैं, मगर काफी स्लोली बेच रहे हैं, ऐसा कोई पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि वी डोंट नो द टॉप। आज टॉप बोलना मुश्किल है, डिपेंड हाउ लॉन्ग द वॉर विल कंटिन्यू, वेदर इट विल कंटिन्यू 1 डे, 2 डे, 1 वीक, इट्स टू डिफिकल्ट टू से।
So till that time, till RBI, and fortunately we have a good reserve, but RBI will use this reserve to speed the slow of the fall of the rupee. So it could be any level. There is no level in mind, but we are selling slightly. इम्पोर्ट्स तो अभी कुछ मतलब नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म हमारे सभी इम्पोर्टर्स के मोस्टली कवर्ड है मार्च एंड तक के लिए. अप्रैल का तो अभी हम देखेगा, थोड़ा डीप आएगा तो ही हम बाई करेंगे. जैसा 15-16 साल तो मुझे ही हो गए आपको सुनते हुए, जब आप कहते हैं कि 40 साल में मैं ये स्थिति पहली बार देख रहा हूँ, तो बाकी अगर आप देखें स्थिति कितनी